जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति आजकल केवल स्वार्थ और लालच में नहीं, बल्कि आज अति हर चीज़ में देखी जा रही है। इंसान इंसान को धोखा दे ये तो समझ में आता है, लेकिन इंसान जब भगवान को धोखा दे तो वो कहा जाएगा अब पाप की अति हो गई, और वो कहलाता है महापाप, अक्षम्य अपराध, जिसे कभी भी किसी भी शर्त पर, किसी भी माफ़ी मांग कर भी, कोई भी माफ़ी मांग कर भी उसे हम माफ़ किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि इंसान को धोखा यदि दे दिया गया तो भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इंसान को भगवान ने बनाया और आज इंसान इतना स्मार्टली अपना स्मार्ट गेम खेल रहा है कि वो भगवान सामने है फिर भी वो महापाप करने से डरता नहीं है। और जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब उस चीज़ की अति होती है तब उसका खात्मा होना निश्चित हो जाता है। और यही हो रहा है अब कलयुग में। चूँकि कलयुग अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें एक से एक ऐसे अपराध, पाप, घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं जो कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। और क्वेश्चन सिर्फ एक ही, आखिर ये हुआ कैसे और किस तरह से इंसान में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई कि वो भगवान को भी चीट करने में पीछे नहीं हट पा रहा है। यानी इंसान आज भगवान से भी ज़्यादा अपने आप को चालाक, शक्तिशाली और बुद्धिमान मान बैठा है। जी हाँ, चालाक भी, शक्तिशाली भी और बुद्धिमान भी। उसे लगता है कि भगवान सिर्फ नाम मात्र की मूर्ति हम पूजा कर रहे हैं, भगवान जैसी कोई चीज़ तो है ही नहीं, तो उनके ही नाक तले महापाप को अंजाम दे दो, कुछ नहीं हो सकता। तिरुपति का लड्डू, जब श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना हुई, जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और धूमधाम से जब मूर्ति को स्थापित किया गया, उस समय तिरुपति से, तिरुपति के मंदिर से जो बनने वाले लड्डू वो राम जी को भी चढ़ाया गया। और अब अगर पता चले कि वो लड्डू जो आस्था का केंद्र है, वो लड्डू जिसे भक्त एक ऐसी डिवाइन एनर्जी के तहत ग्रहण करते हैं कि साक्षात वेंकटेश्वर का वो आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें मिल रहा है, लेकिन उसी लड्डू में एनिमल फैट का मिलना, फिश ऑयल का मिलना, और इस बात का खुलासा चंद्र बाबू नायडू के द्वारा, जो प्रेजेंट आंध्रा के सीएम हैं, उनके द्वारा जब हुआ, और तिरुपति तिरुमाला देव स्थानम जो ट्रस्ट है उनके द्वारा भी मुहर लगा दी गई। तिरुपति मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने कहा, मैंने पहले भी जब रेड्डी सरकार थी तब उनके सामने ये बातें उठाई थी, लेकिन मुझे ही हटा दिया गया पद से। यानी ये घोटाला काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये महापाप भी तिरुपति के मंदिर में, तिरुपति भगवान के सामने चल रहा है, उन्हें भी वही भोग दिया जा रहा है जिसमें कि बीफ का इस्तेमाल, जिसमें कि फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भक्तों को वही दिया जा रहा है। अब ये सनातन पर कठोराघात है, इतना अधिक पीड़ा आज भक्तों को मिली है कि अब सारे सनाती एक साथ मिलकर विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चंद्रबाबू नायडू से रिपोर्ट मांगी है। ऑलरेडी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, गुजरात के एक लैब में इसे टेस्ट करवाया गया है, फूड सिक्योरिटी जो लैब होता है उसमें इसे टेस्ट करवाया गया है, और उसमें ये पाया गया है कि वास्तव में इसमें अशुद्धता इतनी ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं एनिमल फैट,
फिश ऑयल और लार्ड, लार्ड यानी सुअर के जो टिश्यू होते हैं उनको निकाल कर उससे जो लिक्विड टाइप की एक फैट होती है उसको निकाल कर मिक्स किया जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल लड्डू में किया गया है। अब कितने क्वांटिटी में किया गया है, अब इसकी जांच चल रही है। पहला खुलासा ये हुआ कि उसमें फैट मिलाया गया है, दूसरा खुलासा ये हुआ लैब टेस्टिंग के बाद कि इसमें फिश ऑयल भी है, इसमें लार्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। अब थर्ड लेवल पर ये जांच जा रही है जिसमें कि अब ये पता लगाया जाएगा कितने क्वांटिटी में उस लड्डू में ये सारी चीज़ें मिलाई गई हैं, और वही लड्डू वेंकटेश्वर को न सिर्फ अर्पित किया गया बल्कि वहाँ से पैक करके राम जी को भी वो मंदिर भेजा गया, राम मंदिर में भी भेजा गया राम जी के लिए। सोचिए, सिर्फ भक्तों के आस्था से खिलवाड़ नहीं है ये भगवान की डिवाइन एनर्जी से भी ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और जब ऐसे महापाप दुनिया में हो रहे हैं तब समझ लेना चाहिए कि अब पाप का घड़ा भर रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं है ऐसे पापियों का खात्मा होने में। और इसलिए चूँकि ऐसे पापीगण अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी के लिए नारायण को कल्कि के रूप में धरा पर आना पड़ा ताकि महाविनाश करके एक नए युग, पवित्र युग की यहाँ पर आगमन किया जा सके, स्थापित किया जा सके, न्यू एरा को लाया जा सके। लेकिन उसके पहले ऐसे असुरों का खात्मा होना ज़रूरी है जो केवल पैसे बचाने के लिए भगवान से भी झूठ, धोखा और भगवान को भी चीट करने का महापाप जिन्होंने किया है। अब ऐसे लोगों को फांसी देने की मांग की जा रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि जो भी पापी है, जो भी दोषी है उनके ऊपर फांसी से कम सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। आखिर इतना साहस आया कैसे, अब ये जांच का विषय है कि आगे जांच तो हो गई लेकिन कितने क्वांटिटी में वो मिलाया गया ये जांच का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जब ये बात पहुंची है डेफिनेटली सज़ा तो उन पापियों को होगी ही जिन्होंने ऐसे कुकृत्य को करने का दुस्साहस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।